करांगे दशहरे दीआं रौनकां दी। दशहरे नूं लैके देश भर दे विच अज खास तौर ते धूमधाम देखण नूं मिल रही है, उत्साह बरकरार है। अमृतसर की तस्वीर तुसीं देख पा रहे हो, सीधी तस्वीर तुहानूं दिखा पा रहे हैं। रावण दहन जो है वह कर दिता गया है, रावण के पुतले नूं अग लगा दी गई है। देश भर के लोगों के उत्साह जो है देखा जा रहा है। तो अमृतसर तो सीधी तस्वीर तुहानूं दिखा पा रहे हैं जिथे कि रावण के पुतले नूं अगन भेट किया गया है। रावण दहन की यह तस्वीर देख पा रहे हो, पटाखिया की आवाज के नाल पूरा आसमान गूंज उठा है। दशहरे की रौनक बरकरार है, लोग इस आखिरी पल में कैमरे के कैद करते हुए नजर आ रहे हैं, आपो अपने मोबाइल फोन के कैद करते हुए नजर आ रहे हैं। बदी ते नेकी की जित का यह जश्न अज मनाया जा रहा है। लोग जो ने आपो अपने कैमरों के इस तस्वीर में कैद करते हुए नजर आ रहे हैं। जश्न जो है वह मनाया जा रहा है। अखीरला पड़ा तो रावण दहन जो है वह कर दिता गया है, रावण के पुतले नूं अगन भेंट किया गया है। अमृतसर की यह तस्वीर देख पा रहे हो, रौनक बरकरार ने, ढोल धमाके के नाल लोग जो है खुशी मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो हुण रावण दहन तो बाद लोग जो ने वह खा पी के घरां नूं परतणगे। जो लोग इत्थे पहुंचे हुए ने तो नेकी की जित का जश्न अच मनाया जा रहा है, और एक तो बाद एक करके तस्वीरां असीं अपने दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं। उस तो पहला लुधियाणा दे विच भी रावण दहन जो है वह किया गया सी। हुण दिल्ली का रुख कर रहे हैं, दिल्ली दे विच किस तरह की तस्वीर है दशहरे नूं लैके, की कुछ रौनकां ने वह भी रुख करांगे। दिल्ली दे विच रामलीला कमेटी जो है उसके वल्लों रामायण का चित्रण जो है वह किया जा रहा है। तस्वीर देख पा रहे हो, यह दस दिए कि भगवान राम और रावण के विचाले आखिरी संवाद चल रहा है। इतिहासिक लवकुश रामलीला कमेटी के वालों यह उपराला जो है वह किया गया है, और यह तस्वीर देख पा रहे हो। इस मौके अखीरला संवाद चल रहा है जदों भगवान श्री रामचंद्र और दूजे पासे रावण के विचाले युद्ध हुंदा है, संवाद हुंदा है। दस दिए कि दिग्गज कलाकार जो ने पहुंचे हुए ने उन्होंने वालों
तुम्हारे सामने तो वक् वक् थाई तस्वीर जो है वो तुसी देख पा रहे हो। चंडीगढ़ की है तस्वीर जिथे कि 92 फुट का रावण का पुतला जो है वो उसनू दहन किया गया से। उस तो बाद दिल्ली की तस्वीर देख पा रहे हो जिथे कि इतिहासक लव कुश कमेटी जो है उसके वलों इस पूरे रामलीला का चित्रण जो है वह किया जा रहा है। रामलीला दर्शाया जा रहा है। अखीरला संवाद जो है वह चल रहा है। मोहाली फेज 8 की सीधी तस्वीर भी तुसी देख पा रहे हो जिथे खास तौर पर रामलीला के किरदार जो ने रामलीला दर्शाते हुए नज़र आ रहे हैं। और कुल मिला के देखा जाए तो लोगों के खासा उत्साह हमेशा ही रहता है। मोहाली फेज 8 के देख पा रहे हो कि अखीरला संवाद जो है वह चल रहा है और रावण दे तीर जो है वह मार के उसको मुकार दिता गया है। तस्वीर देख पा रहे हो चंडीगढ़ दिल्ली और मोहाली की है तस्वीर। आप हमारे बयान कर रहे हो कि देश भर के रौनक जो प्रकार ने दशहरे को लैके लोगों के उत्साह जिथे कि हमेशा रहता है। और दिल्ली के देख पा रहे हो कई दिग्गज कलाकार जो ने उन्होंने वालों अखीरले संवाद को अंजाम दिता जा रहा है। तो देखिए रावण बंद हो चुका है, एक जोरदार जय घोष करेंगे। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की, बोलो लक्ष्मण जी की, बोलो जगत जननी माता सीता की, बोल पवन पुत्र हनुमान की। रावण देव वंश जो हो गया उसे मार लगे नाभि दे विच ते मोहाली की तस्वीर तुम देख पा रहे हो। दस दिए कि मुख्यमंत्री भगवंत मान इतने पहुंचे हुए हैं। रमनदीप शर्मा मेरे सहयोगी तस्वीर साढ़े तक पहुंचा रहे हैं। फेज 8 की तस्वीर है। थोड़ी ही देर बाद सीएम भगवंत मान जो ने भी संबोधन करेंगे। देश भर के रावण दहन का दृश्य जिथे कि देखने को मिल रहा है और इस मौके पुख्ता इंतजाम जो ने किए गए हैं। और यह तस्वीर देख पा रहे हो मुख्यमंत्री भगवंत मान जो ने पहुंचे हुए ने। नेकी की जित का जश्न अज मनाया जा रहा है। रावण दहन जो है इत्थे किया जाना है। और तस्वीर देख पा रहे हो कि रामलीला दे किरदार जो ने नजर आ रहे ने। और खास तौर पर जो गल की जाए तो लोगों के हमेशा ही उत्साह रहता है। कई लोग जो ने वो आस्था के नाल इन्हां किरदारां दे पैरी हाथ लाउंदे भी देखे जा सकते हैं। दिल्ली की तस्वीर जो है बेहद भावुक कर देने वाली है, बेहद दिल नूं टुंबदियां तस्वीरां ने, क्योंकि दिग्गज कलाकार जो ने वो भी पहुंचे हुए हैं। इतिहासक लव कुश रामलीला कमेटी के वलों यह उपराला हमेशा ही किया जाता है। और इस वेर भी जिथे कि इस प्रोग्राम के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो ने वो भी पहुंचे हुए हैं। और इस मौके तुसीं तस्वीर देख पा रहे हो कि आखिरी संवाद जो है रचाया जा रहा है। घनघोर युद्ध जो है वह चलता हुआ नजर आ रहा है। चंडीगढ़ तो अंकुश महाजन मेरे सहयोगी सर जुड़े हुए हैं। अंकुश, वाकई के रावण दहन जो है वह कर दिता गया, उस बाद लोकी जो ने घर जाने शुरू हो चुके ने। मनप्रीत तुहानू दसदा कि हले रावण का हले दहन नहीं होया, बल्कि सिर्फ हले लंका दहन किया गया, जिहड़ा हनुमान जी वालों लंका दहन किया गया। रावण के पुतले नू तुसी हले भी वेख सकते हो कि इत्थे रावण ते कुंभकर्ण का पुतला हले भी इत्थे ही मौजूद है। हले थोड़ी ही देर तक उन्होंने जिहड़ा अग दे हवाले किया जाएगा। उस तो पहला इत्थे लेजर शो जिहड़ा कि थोड़ी ही दे पलां दे विच शुरू होण जा रिहा, जिहड़ा कि सब तो इत्थे आकर्षण का केंद्र हैगा वो इत्थे होएगा। तो उस तो बाद जड़ा राम ते रावण संवाद होएगा, तो उस तो बाद जड़ा रावण का वध किया जाएगा। हले जड़ा अगर गल करिए तो हले सिर्फ लंका दहन इत्थे किया गया, जड़ा कि ते नाल ही जड़ी है काफ़ी सोहनी आतिशबाजी इत्थे की जा रही। एक बार तस्वीर तुहानू आतिशबाजी दिखा दा, जड़ी इस बार ग्रीन पटाके जिदी लाने की जड़ी परमिशन है इस बार चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन वालों दी गई है। तो इस बार सिर्फ ग्रीन पटाके ही जड़े असी जड़े जड़े पुतलिया दे विच भी देखांगे, वो ग्रीन पटाके ही जड़े जड़े दशहरा कमेटी वालों पाए गए हैं। तो इत्थे जड़ी आतिशबाजी हो रही वो भी ग्रीन आतिशबाजी इत्थे की जा रही है ताकि पर्यावरण भी उस दे नाल ज़्यादा दूषित ना हो, इस दे लई खास ध्यान इत्थे रख्या गया। तो खास तरह के जड़े पटाके ग्रीन पटाके जिहदा जिक्र मैं कर रहा सीगा आसमान के उत्ते सानू देखने मिल रहे कि इत्थे वो चलाए जा रहे हैं।
काफ़ी अहम है जड़े इतने तस्वीर देखने मिल रही है। तकरीबन जो दसा जा रहा है कि 1 लाख के करीब जोड़े लोग है वो ना सिर्फ पंडाल के अंदर बल्कि पंडाल के बाहर भी जिते तक नज़र जा रही है घर की छत के उत्ते जोड़े लोग बैठे वही गिनती दे पूरा इंतजाम इतने किया गया। सुरक्षा के बेहद ही कड़े इंतजाम है, किसी को भी जी है वो अगे नहीं जान दिता जा रहा ताकि कोई जी अनसुखावी जी घटना इतने ना। मोहाली फेज 8 की तस्वीर देख पा रहे हो, दस दिए कि रावण दहन जो है वह कर दिता गया। मोहाली फेज 8 तो सीधी तस्वीर रमनदीप शर्मा मेरे सहयोगी सर नाल पहुँचा रहे हैं। दस दिए कि रावण दहन कर दिता गया, मुख्यमंत्री भगवंत मान इतने पहुंचे सन तो देश भर के दशहरे को लैके जिते कि रौनक बरकरार ने और रावण दहन यानी अखीरले पलों की यह तस्वीर भी देख पा रहे हो। हर कोई कैमरे के कैद करता हुआ नजर आ रहा है तो नेकी की जित का जश्न अज मनाया जा रहा है। मोहाली फेज 8 के भी रावण दहन कर दिता गया तो हूँ चंडीगढ़ की तस्वीर तुम देख पा रहे हो जिस तरह के अंकुश मेरे सहयोगी दिखा पा रहे हैं। बेहद दिल में टुंबण वाली आतिशबाजी जो है वह की जा रही है, बेहद खूबसूरत आतिशबाजी। हालांकि जिस तरह मेरे सहयोगी अंकुश जानकारी दे रहे सन कि यह ग्रीन पटाके ने जो कि वातावरण को ध्यान के रखते हुए ताजो वातावरण जो है वह ज़्यादा गंदड़ा ना हो सो उसू ध्यान रखते हुए ग्रीन पटाके जो है वो चलाए जा रहे हैं जिन्हें कि चंडीगढ़ प्रशासन के वालों इजाजत दी गई है। दिल्ली की सीधी तस्वीर भी तुम देख पा रहे हो जिथे लगातार लव कुश रामलीला कमेटी के वालों जो उपराला किया गया है रामलीला जो है वह चित्रण की जा रही है। इस मौके किरदार जो ने वो कह सकते हैं कि अखीरले पड़ाव दे नू चित्रित करते हुए नज़र आ रहे हैं। देख पा रहे हो कि युद्ध जो है वह चल रहा है, एक पासे राम एक पासे रावण जो है दोनों दी सेनावां जो ने उन्हां दे विचाले युद्ध हो रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो ने पहुंचे हुए हैं, उस तो पहले तुम देख पा रहे थी चंडीगढ़ की तस्वीर है जिथे कि हाल की कड़ी आतिशबाजी जो है वह की जा रही है। तो लेज़र शो जो है वह काफ़ी चर्चा के रहा है तो लेज़र शो जो है वह होएगा, लोग उस देखने लिए दूर दुराडे पहुँचते हैं, पंचकूला के लोग पहुँचते हैं, चंडीगढ़ के लोग पहुँचते हैं और पंजाब तो भी खास तौर पर मोहाली के लोग जो ने जरूर पहुँचते हैं। अंकुश महाजन मेरे सहयोगी है तस्वीरें लगातार साझा कर रहे हैं। अंकुश असी देख पा रहे हैं कि आतिशबाजी जो है वह की जा रही है, इस तो अलावा लेज़र शो का भी तुम जिक्र कर रहे कि लेज़र शो जो है उसको लैके लोगों के काफ़ी उत्साह है जी। बिल्कुल मनप्रीत, कुछ ही पलों के इतने लेज़र शो शुरू हो जा रहा है जिस दे उत्ते पूरी जड़ी रामायण है उसनू 15 मिनट दा दे विच ही दिखाया जाएगा। पूरी रामायण उस दे विच जड़ा दर्शाया जाएगा जड़े कि मुख्य इतने आकर्षण का केंद्र जेकर अगर मनीए तो इतने जड़ा आकर्षण का केंद्र वो लेज़र शो ही हैगा क्योंकि हर साल जेकर मैं इस जड़ा दशहरा उत्सव की गल करा इतने हर साल जड़ा सब तो ज़्यादा जड़ा अहम जड़ा अट्रैक्शन का केंद्र होंदा वो होंदा इतने जड़ी हवाई जहाज के राही फुल्लां की बारिश लोगों के उत्ते की जाती है। लेकिन पिछले 2 साल तो इतने DGCA वालों जी परमिशन नहीं दी गई तो इस बार इसलिए नहीं दी गई क्योंकि एरो शो जो चंडीगढ़ के हो रहा है तो जिस कारण वो सारा जो उ इंतजाम उत्थे किए गए तो इसलिए उत्थे परमिशन नहीं दी गई। हूँ एक बार मैं मनप्रीत तुहानू दिखा दा जिस चीज़ का इतने इंतजार किया जा रहा है वो इतने बस कुछ ही पलों के इतने शुरू हो जा रहे लेज़र शो जिसका मैं जिक्र कर रहा है पर्दा इतने सैट कर दिता जा चुका है, लेज़र तैयार कर दी गई है। कुछ ही पलों के जड़ा इतने लेज़र शो शुरू हो जा रहा है जिहड़ा कि सब तो ज़्यादा आकर्षण का केंद्र इस पूरी दशहरा उत्सव का रहने वाला है क्योंकि दूर दूर तो जोड़े लोग है इस लेज़र शो को इतने देखने पहुँचे ने। रामायण जी मैं जिक्र कर रहा पूरा रामायण इस उत्ते जी दर्शाई जानी है, लोग जड़े रावण इतने देखने नहीं खास तौर पर बल्कि इतने जोड़े खास अट्रैक्शन जी चीज़ होंगी है उन्होंने देखने इतने पहुँचते हैं। तो इस बार जो रावण तुम देख रहे हो जरा पुतला तुम देख रहे हो ये शहर का सब तो उच्चा जोड़ा रावण हैगा, ना सिर्फ शहर बल्कि चंडीगढ़ पंचकूला मोहाली पूरा ट्राई सिटी जिसनों कवर करता है उस जरा 92 फुट का जोड़ा पुतला हैगा तो नाल ही जोड़ा कुंभकर्ण का जोड़ा पुतला वो 85 फुट का। एक बार मैं तुम्हें रावण के पुतले की जी कुछ खासियत मनप्रीत अपने दर्शकों साझी करना चाहवागा। जोड़ा चेहरा तुम रावण का देख रहे हो ये दरअसल 360 डिग्री यानी कि 360 डिग्री पर जरा घूमता नज़र आ रहा है जी
ਇਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਭੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਰਿਮੋਟ ਤੋਂ ਬਟਨ ਦਬਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਨਿਕਲੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਟ ਦੇ ਉੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ ਪੂਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਵਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਟਾਕੇ ਪਾਏ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਵਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਯੂਸੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਮੇਘਨਾਥ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਲੈ ਕੇ ਮਾਯੂਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹਲੇ ਵੀ ਕੁੰਭਕਰਨ ਤੇ ਮੇਘਨਾਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਰਾਵਣ ਤੇ ਕੁੰਭਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਤਲਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਹਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਛਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਿਜੇ ਦਸ਼ਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਉਹ ਰਾਵਣ ਵੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਵਣ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਅਗਰ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨੀ ਰਾਵਣ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਅਗਰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਾਵਣ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੁਸਹਿਰਾ ਉਤਸਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਹੱਦ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਦੁਸਹਿਰਾ ਉਤਸਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਘਰ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਨਾ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਉਤਸਵ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਰਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਡਬਲ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾ ਦਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਨਾਰ ਇੱਥੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕੇ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਰ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕੇ ਹੀ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਨਾ ਉਸਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸੰਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਜ਼ਰ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਲੈਂਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕ ਹੀ ਲੋਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇੱਥੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕ ਬੇਹੱਦ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬੇਹੱਦ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਲ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਸਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਲੇਜ਼ਰ ਮੈਂ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੇਜ਼ਰ ਸ਼ੋਅ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹਲੇ ਆਨੰਦਿਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਹੈਗੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ MC ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਗੈਸਟ ਆਫ ਆਨਰ ਹੋਏ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲੇਜ਼ਰ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਬੇਹੱਦ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਰਾਵਣ ਦਹਨ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖਾਸ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੇਹੱਦ ਕੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਭਗ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅੰਕੁਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ਫੇਸ 8 ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੁਸਹਿਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੌਣਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਨੇ ਔਰ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪ ਮੋਹਾਲੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੋਲ ਸਿਆ ਰਾਜ ਕੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਲਾਕਾਰੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਮੋਰ ਨੱਚਦਾ ਕਿਸਨੇ ਦੇਖਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਾ ਲੇਕਿਨ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰ ਨੱਚਦਾ ਕਿਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਰ ਨੂੰ ਨੱਚਾਤਾ
आतिशबाजी मोर जो है बनाया गया कलाकृति जो है बनाई गई राघव जी कहता तो मेरी जगह रिप्रेजेंट करना राघव जी तो बिल्कुल वक् वक् थावां तो तस्वीर जो ने सामने आ रही ने और दस दिए कि चंडीगढ़ के भी रामलीला का संवाद चल रहा उधर दिल्ली के भी लव कुश रामलीला कमेटी के वलों लगातार अखीरला युद्ध जो है वह दर्शाया जा रहा है क्योंकि इस तो बाद रावण का वध जो है वह किया जाएगा रावण दहन जो है वह फिर किया जाना है। मोहाली फेज अठ की तस्वीर देख पा रहे हो वक् वक् कलाकृतियों के नाल आतिशबाजी जो है वह नजर आ रही है। इस पहला एक कलाकृति जो है वह मोर की बनाई गई सी मोर नू आतिशबाजी दे नाल दर्शाया गया सी ते हुण ए देख पा रहे हो वक्त वक्त कलाकृतियां जो ने नज़र आ रही ने जैसा कि आनंद माणते हुए मुख्यमंत्री जो ने नज़र आ रहे हैं। दिल्ली के लगातार ये युद्ध जो है वह चल रहा है इतने एक बार फिर तो जिक्र करना बनता है क्योंकि दिग्गज कलाकार जो ने वह पहुंचे हुए ने और दिग्गज कलाकारां दे वल्लों रामलीला जो है उसनू दर्शाया जा रहा है और ये तस्वीर तुसीं देख पा रहे हो कि लगातार राम भगवान श्री रामचंद्र अते एक पासे रावण ने उन्हां दे विचाले युद्ध जो है वह चल रहा है। तीर दागे जा रहे ने ते हर कोई जो है उत्साहित नज़र आ रहा है क्योंकि अखीरला पड़ा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो ने इत्थे मौजूद ने ते चंडीगढ़ की भी तस्वीर देख पा रहे हो जिथे कि इत्थे भी रामलीला जो है वह चित्रित की जा रही है राम दा गुणगान जो है वह किया जा रहा है खास तौर पर भगवान श्री राम ने नाम दे जयकारे जो ने वो लगाए जा रहे हैं हर पासे एक गूंज जो है वो नजर आ रही है। अंकुश दा रुख कर रहे हैं अंकुश लेजर शो जो है वह शुरू हो चुके हैं या नहीं और देख पा रहे हैं कि रामलीला जो है एक बार फिर तो उसको दर्शाया जा रहा है कि कुछ हो जानकारी है जी मनप्रीत बिल्कुल इस वेले जरा लक्ष्मण राम से जरा परशुराम का जरा संवाद है इस वेले लक्ष्मण से परशुराम का संवाद है जरा मंच के उत्ते चल रहा है तो थोड़ी ही देर बाद जरा राम से रावण का जरा संवाद इतने होगा तो उस तो बाद जरा लेजर शो शुरू होगा तो उस तो बाद रावण का वध जरा औपचारिक तौर पर किया जाएगा तो बेहद खास पल जे कि हम हूँ अंतम जे क्षण प्रोग्राम पहुँच चुके हैं कुछ ही पला दे विच जड़ा ए जड़ा संवाद खत्म होगा तो उस बाद लेजर शो शुरू होएगा तो फिर वो पल आएगा जिसका इंतजार इतने किया जा रहा है जड़ा कि रावण दहन वो किया जाएगा पहले कुंभकर्ण के पुतले को जड़ा अग्नि हवाले किया जाएगा तो उस तो बाद रावण के पुतले को जड़ा रिमोट के राही जड़ा अग्नि हवाले किया जाएगा तस्वीर बेहद खास अगर जिक्र करिए तो इस वेले जड़ा इतने संवाद जड़ा वो स्टेज पर चल रहा है लक्ष्मण के परशुराम का जो संवाद इस वे चल रहा है हूँ जो अगला संवाद आने लगा मंच तो जो आनंदिता मित्रा जो कि हम जो चीफ गेस्ट है वो इतने मंच तो जो लोगों को संबोधित कर रहे हैं शुभकामनावान दे रहे एक बार तुम तस्वीर विखा दें पहले इतने तस्वीर जी है खास तस्वीर एक बार तुम दर्शकों की तस्वीर दिखा दिए जिथे जिथे तक नज़र जा रही है तक सिर्फ दर्शक ही नज़र आ रहे हैं हूँ इतने नेरा जिमें शुरू होया तो नेरा शुरू होंगे ही बस जो प्रोग्राम शुरू हो गए हैं ये तस्वीर वेखो तुम जिमें मैं पहला भी तुम्हें दिखा रहा है कि जिथे जिथे तक घर की छत्त है और छत्त के उत्ते सिर्फ लोग ही लोग नज़र आ रहे दर्शक नज़र आ रहे जे कि इस
प्रोग्राम उत्थे देखने पहुंचे ने ते विजयदशमी की बधाई जिहड़ी है वह मुख्य जिहड़े गैसट चीफ गैसट हैगे उन्हां वल्लों दित्ती जा रही है ते इस वेले कुछ ही पलां दे विच जिहड़ा इत्थे जिहड़ा वह जिहड़ा लेजर शो शुरू होएगा इंतजार किया जा रहा है क्योंकि कोविड तो बाद पहला ऐसा दा मौका जदों बिना रिस्ट्रिक्शन तो जिहड़ा इस तरीके दा वड्डा कार्यक्रम हो रहा है। वेख सकते हो तुसीं तस्वीरां ते रावण दावा जड़ा वध है थोड़ी ही देर बाद होएगा जड़ा पुतला हले भी अपने अहंकार दे विच हले रावण दा रावण तुसीं वेख सकते हो अपने अहंकार दे विच खड़ा है लेकिन कुछ ही देर दे विच रावण दा ये अहंकार टुटदा नज़र आएगा। मनप्रीत एक अपने दर्शकों ने एक चीज़ होर सांझी करना चाहवागा कि जड़ा रावण जड़ा वध होया सीगा असल दे विच और रथ दे उत्ते ही जिवें उन्हां दा जड़ा वध होया सीगा ते इत्थे भी जड़ा पुतला बनाया गया वह भी चार घोड़िया का जड़ा रथ है वह रथ के उत्ते ही उन्होंने का जड़ा तैयार किया गया है उसी के उत्ते जड़े रावण सवार है तो इसी के उत्ते उन्हों का दहन किया जाएगा। तो इन्हों चीज़ों का काफ़ी इतना ध्यान रखा जेकर गल करिए ध्यान रखा गया जी राम दशहरा कमेटी है पिछले 25 साल तो इसी तरीके एक सफल कार्यक्रम का आयोजन करती आ रही है। इस बार सिल्वर जुबली इन्हों का कार्यक्रम हैगा तो हालांकि राती थोड़ी जी मायूसी जिमें पहले भी दस से हुई है कि इतने मेघनाथ के पुतले को जोड़ा है किसी शरारती अंसर वालों जी अग लगा दी गई पहला ही तो उस तो बाद भी जरा प्रबंधकों वालों भी जो मीडिया सामने आकर गल की गई है तो रावण में भी जी अग लगा की कोशिश की गई सी एक हवाई जी है वो चला के रावण वाल छुट्टी गई सी लेकिन गनीमत यह रही कि रावण के कोल वो जी नहीं पहुंच सच्चाई की जित का प्रतीक दशहरा जरा रिशम दिशा मनाया जाता है जो मेला देख के बचपन भी याद आ जाता है तो नौ दिन रामलीला देख के दसवें दिन दशहरा ग्राउंड के होते बुराइयां होर भी बहुत ने समाज अजे वो भी दूर करने की लोड़ है। सो करप्शन बहुत बड़ी बुराई है दहेज ते धीआं नूं जम्मण तो पहले कुख चमना बेरोजगारी बड़े कलंक अजे समाज के लगे ने जिन्हां नूं साफ करन दी आपां नूं सर के हमला मार लो करप्शन महंगाई की मार पै गई। नहीं देखो पिछली बार करोना करके बहुत सारे फंक्शन जिहड़े ने ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਹੋਏ ਪਰ ਇਹ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸਥਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਈਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ 65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਖੋ जो भी उन्होंने बेजनी बिल्कुल मुख्यमंत्री भगवंत मान के वालों भी कहा गया है उन्होंने वालों भी दशहरे दी बधाइयां जो दिखाई गई हैं ही उन्होंने वालों यह भी कहा गया है कि होर भी कई तरह कुरीतियां ने जो कि जो बुराइयां ने सानू हंबला मारन की लोड़ है उन्होंने खत्म करन की लोड़ है। अंकुश महाजन मेरे सहयोगी साडे तक तस्वीर जो ने दशहरे दी लगातार पहुँचा रहे हैं चंडीगढ़ तो बने हुए हैं अंकुश देख पा रहे हैं कि एक तो बाद एक करके जो तस्वीर ने वो हुण रोचक हुंदी हुई नज़र आ रही ने चंडीगढ़ के खास तौर पर रामलीला का चित्रण हो रहा जी। लंका दहन तो बाद का संवाद है लंका दहन हनुमान जी वालों कर दिता गया तो उस तो बाद संवाद शुरू होया पला दे विच जिहड़ा राम ते रावण दा जब संवाद आ गया तो उस तो बाद रावण दहन रावण दहन इत्थे किया जाएगा मोहाली दे विच जिवें अपने दर्शकों नाल तस्वीरां भी साझा कर रहे जिथे खुद मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान पहुंचे उत्थे रावण जिहड़ा दहन किया इतने भी सैक्टर 6 चंडीगढ़ के जो रावण दहन किया जाएगा
अगर जो रावण का दहन हो तो उस बाद किसी तरीके की अफड़ा दफड़ी इतने ना पहुंचे उसके लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। अंदर भी भारी गिनती के सुरक्षा बंदो सुरक्षाकर्मियों की तैनाती है। इसके अलावा पंडाल के बाहर भी थां थां से सुरक्षाकर्मियों की जी तैनाती की गई है। तो जिथे पार्किंग की गई है उत्थे भी लोगों को कोई ज़्यादा दिक्कत ना आए, कोई इतने अफड़ा दफड़ी वाला माहौल ना पे। ना सिर्फ चंडीगढ़ के सैक्टर 46 के विच इसी के दा वड्डा राम जिहड़ा दशहरा उत्सव चल रहा है। इस तो अलावा शहर के होर भी कई इलाकों के विच भी इसी के दा उत्सव मनाया जा रहा है। रावण ते हनुमान का जिहड़ा संवाद है स्टेज से किया जा रहा है जी। बिल्कुल बिल्कुल अंकुश, असीं तस्वीर देख पा रहे हैं खास तौर पर जिस हिसाब के नाल रामलीला के जो कलाकार ने वह आपो अपने किरदार निभाते हुए नज़र आ रहे हैं, तो हर कोई इसका आनंद माणता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि 9 दिन पहला भी रामलीला जो है वह चलती है, पर अज के दिन अखीरले दिन ये संवाद का अपने आप दे विच एक वक्रा ही आनंद है और इसे जश्न नूं मनाया जा रहा है क्योंकि अज ये रौनक कितना कितने खत्म हो जाएगी। अज दशहरे की रौनक जो है उसे लैके लोगों के असी उत्साह जो है लगातार देख पा रहे हैं और तस्वीर असं अपने दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। एक तो बाद एक करके तस्वीर असी साझा की ने और जिस तरह तुम भी जिक्र कर रहे थे कि लोगों के कोविड तो बाद असी देख पा रहे हैं कि खुशी की लहर जरूर पाई जा रही है क्योंकि उस तो पहला कोरोना की लहर चल रही थी, पर हुण खुशी की लहर जो है पाई जा रही है क्योंकि लोग घरों तो निकल पा रहे हैं और मेलों का आनंद माण पा रहे हैं। मेलों के कह सकते हैं कि इकट्ठे होकर परिवारों के नाल मिलकर इस खुशी को दूना कर पा रहे हैं। अंकुश, असं देख पा रहे हैं कि इस वक्त रामलीला का जो चित्रण जो है वह चल रहा, एक बार फिर तो दर्शकों के लिए जानना चाहवांगे कि लंका दहन तो बाद जो है हनुमान जी के नाल संवाद चल रहा है इस वक्त। इस वे जरा हनुमान से रावण का जरा संवाद है वो स्टेज के उत्ते चल रहा है। तो हूँ कुछ ही देर के इतने जरा वो हूँ जरा इतने संवाद शुरू होएगा राम से रावण का। तो उस तो पहला ये तस्वीर वेखो तुम कि इस वे भी इतने जरा इंतजाम इतने किए गए थे जो सुरक्षा के। हूँ इतने जरा कुछ पलों के लेजर शो शुरू हो जा रहे हैं तो जिद खास इतने इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा का जिक्र मैं जिम्मे पहला भी किया, इतने भारी गिनती के इतने सुरक्षाकर्मी तैनाती की गई, एंबूलेंस इतने तैनात है, फायर ब्रिगेड इतने तैनात है ताकि अगर कोई इस सिक्के की कोई अनसुखावी कोई घटना इतने वापर सारे इंतजाम इतने किए जान किसी तरीके की कमी पेशी इतने ना रहे और सारी इतने तैयारियां की गई। बस हम कुछ ही पलों का इतने इंतजार है जो इतने जरा ये जो पहला भी दस रहा है ये जरा रावण को तुम इतने हले भी खड़ा इतने देख रहे हो जेडे कि अपने पूरे अहंकार के हले इतने खड़ा है। कुछ ही पलों के इन्हों का अहंकार टूटेगा तो जरा रावण का इतने वध होगा। तो तस्वीर जी बिल्कुल बिल्कुल अंकुश तुम बने रहो और तस्वीर असं लगातार अपने दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं। तो दशहरे नू